आज का दौर यह है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे कई गुना मेहनत दूसरे स्टूडेंट करते हैं। अपने दिमाग में बैठा लो, जब तुम रेस्ट कर रहे हो तो कोई पढ़ रहा है, वह भी तुम्हारे साथ एग्जाम देगा। CHSL की कट ऑफ आई है, बच्चे कह रहे हैं कि बहुत हार है। उस स्टूडेंट ने ही हाई की होगी ना, जो वह स्टूडेंट जो CHSL की तैयारी के लिए मन बैठाए हुए हैं और UPSC की तैयारी के लिए मन बैठाए हुए हैं, वह छोटे एग्जाम भी देता है प्रैक्टिस के लिए और वह कट ऑफ हाई जा रहा है। अपने को उसने बहुत अच्छा से प्लान किया हुआ है, पहले छोटा लड्डू हाथ में आ जाए फिर वह बड़े लड्डू लेने की कोशिश करेगा। छोटी जॉब की तैयारी शुरू कर दूंगा, एक दिन सेम गेम खेलना चाह रहा है। जो भी गोल आपने चुना है, बड़ा गोल अपने माइंड में, वह एफर्ट उसी के लिए रखो। छोटे एग्जाम देते चले जाओ ताकि एक सीढ़ी बन जाए। जब भी थके अपने आप से सवाल करें कि कहीं ये तो नहीं फ्यूचर में जाके पछताऊंगा। आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते यार, नींद छोड़नी पड़ती है सपने पूरे करने के लिए। नींद में सपना देख लिया, जब आप सपना नींद में देखते हो तो वह सपना है। जब आप उसे दिन में सोचने लग जाओ तो वह सपना आपका जून में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सपना देखना अब तो हमें वह बनना है। जो सपना देखना है अब तो हमें वह बनना है। माय डियर स्टूडेंट, अपने एफर्ट को रखो। हम देखते हैं बड़े बड़े बिजनेस में उनके पास इतना पैसा है, वह ऐसे नहीं आया पैसा बॉस, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, अब भी मेहनत कर रहे हैं। कुछ अचीव करना जितना मुश्किल है उससे कई गुना अचीवमेंट को बरकरार रखना, उससे आगे बढ़ना से भी ज़्यादा मुश्किल है। उन लोगों से पूछो आप लोग कितने घंटे सोते हैं, तो वह बोलेंगे 3 घंटे। चैन की नींद तो 3 घंटे ही लेते, बाकी तो सोते सोते ही दिमाग काम कर रहा है। जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप सोते तब भी आपका दिमाग काम कर रहा है। जब आप अपने आसपास देखते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उसी के तो सपने आते हैं। एग्जाम के टाइम में याद करो, जब आप छोटे बच्चे थे, 10th क्लास में थे, तब आपको एग्जाम के टाइम में कैसे सपने आते थे। आप एग्जाम में चले गए पेन भूल गए, आप एग्जाम में चले गए पेन भूल गए यार। एग्जाम में बैठा हुआ जो याद किया वह एग्जाम में नहीं आया। यही सपने आते थे जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते थे। अगर आप हर टाइम पॉजिटिव सोचेंगे तो मुझे एफर्ट बढ़ाने हैं, तब आपको वह पॉजिटिव बनेगा, वही आपके माइंड में रात को दिखेगा। कहते हैं सोते सोते भी पढ़ो में पढ़ने में सोते सोते पढ़ने में भी पागल थोड़े ही हो जाऊंगा। अगले दिन के लिए एक्टिव रहेगी, अगले दिन के लिए उठना है, अगले दिन पढ़ना है, तो आपके लिए 6-7 घंटे की नींद ही काफ़ी रही। अगर आपको 6-7 घंटे से कम में आदत बन रही है, सेहत भी ठीक है ठीक ठाक है, तो कम सो, अपने आप को ढालो, अपने आप को पहचान, एफर्ट को कम मत होने दो। आपकी एफर्ट ही आपका फ्यूचर है। फ्यूचर में ये ना हो कि पछताओगे, काश मैं इस टाइम एफर्ट बढ़ा लिया होता, थोड़ा पढ़ लिया होता। इन बातों को अपने दिमाग में रखो, जब भी पढ़ने से थको इस वीडियो को जरूर एक बार देखना, लाइक शेयर जरूर करना, ताकि
हर पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर माय स्टूडेंट।